आज अपन देखते हैं एक प्रयोग ज्यामिति में, है ना, त्रिभुज की रचना करेंगे, है ना, त्रिभुज की रचना करेंगे और एक ऐसे त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें अपने को तीनों भुजाएं दे रखी हो, तीनों भुजाओं के मान अपने को पता हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ पे अपने को एक त्रिभुज की रचना करना है, जबकि अपने को ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक रफ चित्र बना लिया अपन ने, ये ए और बी और ए सी है, ए बी को मिला दिया बी सी को और ए सी को। ए बी अपने को 5, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। जब अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो अपन सब सर्वप्रथम तीनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा बना सकते हैं। या तो अपन पहले ए बी खींच लें या बी सी खींच लें या ए सी, है ना। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले भुजा खींचते हैं बी सी, है ना। तो बी सी कितना है अपने पास, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्केल की सहायता से, है ना, अपन क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींचते हैं, है ना, क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर, है ना। तो 6 सेंटीमीटर कहाँ तक है, ये स्केल है अपने पास यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। ये 6 सेंटीमीटर का अपन ने एक लाइन खींचते हैं, है ना, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, इसको अपन नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, बी सी, है ना। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, बी और ये सी, ये जो पॉइंट है बिंदु है ये बी हो जाएगा और ये सी, है ना, इसका नाम इसके बिंदु से थोड़ा नीचे देंगे, है ना, इसके ऊपर नहीं देंगे, ठीक। अब अपने को ए बी वाला और कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, है ना। तो अपन स्केल, ये अपनी स्केल है और इसकी सहायता से अपन 5 सेंटीमीटर नापते हैं। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर कहाँ से नापते हैं, है ना। तो 5 सेंटीमीटर नापने के लिए अपन यहाँ पर ये शुरू जो पॉइंट है यहाँ से लेकर और ये कहाँ तक चलेंगे, ये देखो ये क्या है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5, है ना। तो यहाँ तक अपन कहाँ तक है 5 और यहाँ से शुरू वाला बिंदु एक से नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे यहाँ से शुरू, है ना, इसके यहाँ से शुरू होती है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ये अपन ने बी को केंद्र माना, किसको माना, बी को, और एक चाप खींच देते हैं, है ना। अब अपने को ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तब इससे अपन क्या नापते हैं 7 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ पर रखा अपन ने और पेंसिल को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक, है ना, ये यहाँ से। तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, सी को केंद्र मानकर, ये सी को केंद्र मानेंगे और एक चाप काट देंगे। अब ये दोनों जो चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ए, है ना, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। अब अपन क्या करते हैं, स्केल की सहायता से, है ना, पर का स्केल रूलर की सहायता से क्या करते हैं, ए बी को मिला देते हैं और ए सी को मिला देते हैं, है ना। तो ये देखो ए बी को मिलाते हैं यहाँ पे ए, है ना, और यहाँ पे क्या है सी, है ना। तो अपन ने क्या करा, इन दोनों को मिला देते हैं, है ना, तो ये मिला देते हैं, ए बी को मिलाया। अब ए सी को मिला देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन ने बी सी कितना खींचा था, 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार अपन ने एक त्रिभुज की रचना करी जिसमें तीनों भुजाएं अपनों को दे रखी थी, है ना, जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये देख लो, है ना, ये कितना है 7 सेंटीमीटर,
है ना, ये कितना दे रखा अपने को, सात है ना। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। तो इसके अपन अब देखते हैं रचना के चरण है ना, जो अपन ने करा है वही रचना के चरण में अपने को लिखना है ना। जैसे अपन ने रचना के चरण में क्या करा अपन ने, सबसे पहले सर्वप्रथम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं है ना। सबसे पहले अपन ने क्या करा था, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, फिर बी को केंद्र मानकर है ना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर है ना एक चाप खींचा था, तो वही अपन रचना में लिख देंगे दूसरे पॉइंट में। फिर सी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं, फिर सी ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को अपन ए नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे है ना। अब ए बी और बी सी को मिला देते हैं, तो इस प्रकार अपने को ये त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है। ठीक, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी अपने को प्राप्त हो जाता है।